Do you love me? Do you love me? तुझे चेकआउट नहीं कर रही थी, जज कर रही थी। ऐसे कार्टून वाली टी शर्ट और जीन्स पहन के कौन आता है यार? ऊपर से व्हाट इज दिस चेन? क्या खराबी है इसमें? हाँ हाँ, और तुमने सब कुछ नोटिस किया? मेरे जूते नोटिस किए? जितने भी लोग हैं ना यार क्लब में, इन सबका घर बिक जाएगा इसमें। यार शर्ट पहन लेता, थोड़ा बड़ा लगता, हमारा एज गैप भी नहीं दिखता। ट्रेनर, वो एज गैप छुपाना क्यों है? मतलब वही तो सबसे स्पेशल चीज़ है हमारे रिलेशनशिप की। देख, चाहे हमारे रिलेशनशिप में कितना भी एज गैप हो, बट हमारा रिलेशनशिप है तो जन्मों जन्मों का, फॉरएवर। ओके फाइन, दोस्तों के आने से पहले प्लीज़ ये चेन उतार के आप, प्लीज़। बाय द वे, टेल मी समथिंग अबाउट योर बॉयफ्रेंड, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि रजत खुद से बात करेगा अभी। एक्चुअली रजत, अरे वो खाना इतना टेस्टी है ब्रो, मैं तो कुछ बोलना ही भूल गया। स्टार्टअप, आई कैन टॉक अबाउट स्टार्टअप। तुमने वो तो देखा होगा ना शो, क्या नाम उसका, शार्क टैंक। अश्नीर कितना कूल है ना? बाय द वे, आई थिंक रोडीज इज बेटर, स्क्रिप्टेड नहीं होता ना वो। यू डिडंट गेट द जोक राइट? आई वाज जोकिंग। Guys, I think मेरा UPI नहीं चल रहा है। हाँ, वो थोड़ा यहाँ नेटवर्क का इशू होता है। कोई नहीं, I'll pay. No, it's okay. I'll pay. Here. यार प्रेरणा, तो अगली बार इसको लेके जाओ साथ। इसी बहाने तो सबका बिल पे कर देगी। रचित यार, निखिल didn't mean anything. What did he mean then? यार, I never realized this, but ऐसा तो किसी को भी लग सकता है ना, दैट आई एम विद यू फॉर योर मनी। मतलब मेरे जैसे कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो फायदा ही फायदा है। यार कुछ तो लोग कहेंगे यार, लोगों का काम है कहना। और तू भी तो अंदर बोल रहा था कि वी आर सो गुड, मेड फॉर ईच अदर वगैरह वगैरह। यार प्रेरणा, वो सब छोड़ यार। अच्छा एक बात बता यार, तेरे को इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी? किसी छोटी मोटी जगह चले जाते यार, हम कम से कम मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। रचित स्टॉप इट, ओके? आर यू ब्लेमिंग मी? यार मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपनी चॉइसेस की जगह पे जाऊं। अगर ऐसा ही करता रहेगा तो हम दोनों कभी भी एक साथ कहीं पे भी नहीं जा सकते। तुझे कॉमेडी मूवी देखना पसंद है, मुझे रोमांटिक मूवीज पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तुझे PS में काउंटर स्ट्राइक खेलना पसंद है। तू 11 बजे उठता है यार, मैं 9 बजे अपने ऑफिस में रहती हूँ, क्या बात कर रहा है तू? अरे ना, इतनी सारी दिक्कतें तो क्यों है मेरे साथ, छोड़ देना मेरे को। वैसे भी तेरे सारे दोस्तों को लगता है तेरा मैं स्टूपिड गाय, आई मीन अपॉर्चुनिस्ट अकल को, वो बोल देंगे कि मैं गोल्ड डिगर हूं, तो क्या बोलेगी तो तेरे निखिल डिडंट मीन इट दैट वे। कांट टॉक टू यू। व्हाई कांट यू टॉक टू मी? अरे अरे प्रेरणा, हाय। यार आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इस टाइम ऑटो मिलेगा यहां पे। कम, आई विल ड्रॉप यू गाइस। या एक्चुअली ये पास में ही रहता है, सो ही विल वॉक डाउन, यू कैन ड्रॉप मी। ओके, थैंक यू।
Hello, my dear. Why take fear when your friend Shukla is here? Aaja, Veere. भाई अच्छा हुआ तू आ गया यार, वरना यहाँ खड़ा रह जाता मैं. एक कैब या ऑटो नहीं मिल रही थी. थैंक्स. कोई सीन नहीं भाई, बाकी यार थैंक्स बोलना है ना तो भैया को बोल. मेरे पास सिर्फ 200 रुपए थे और जब मैंने भैया को बताया ना कि मेरा दोस्त रोड पे अकेला खड़ा है तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, आपके दोस्त को हम ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रखेंगे, 200 में ले चलेंगे. क्या बात है, कहाँ से मिले इतने अच्छे भैया? इनड्राइव ऐप से भाई. मैंने इनड्राइव ऐप खोली, उस पर देखा भैया की रेटिंग तो काफी बढ़िया थी, फटाफट कैब बुक करी और आ गया. तुझे भी कहीं आना जाना हो ना, इनड्राइव ऐप खोल, उस पर अपनी मर्जी का ड्राइवर चूज कर, कॉस्टिंग सेट कर, डायरेक्ट ड्राइवर से कनेक्ट कर भाई, कैब बुक कर और आ जा जैसे मैं आया. ये तो काफी सिंपल है यार. और तेरे को प्रेरणा के घर छोड़ना है ना भैया, इसको सेक्टर 30 छोड़ सकते हैं क्या? राइट के एंड में जो भी कॉस्टिंग होगी वो मैं देख लूंगा. कोई बात नहीं भैया, आपको जहाँ भी जाना होगा ना हम ले चलेंगे. भैया बंदी हो ना आप जैसी अंडरस्टैंडिंग वाली हो, अगर आप लड़की होते ना मैं आपको यही प्रपोज कर देता. यार शुक्ला यार तू कभी तो मजाक मत किया कर, और वैसे भी मैं प्रेरणा के घर नहीं जा रहा हूँ. वी हैड एन आर्ग्यूमेंट और अब मेरा मन नहीं है वहाँ जाने. क्या सीन हो गया? आई डोंट नो, मैंने ना यार रियलाइज किया है कि वी हैव सो मेनी डिफरेंसेस. आई डोंट नो व्हाई शी लाइक्स मी. फिर वही कंफ्यूजन. आई गेस वी हैव टू डू इट टुडे. डू व्हाट? ब्रो तू ठीक है? अरे बता ना क्या हुआ. कुछ नहीं यार, रजत के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई है. ही जस्ट पुट मी ऑफ. लिसन टू मी, तेरा और रजत का रिलेशनशिप ना थोड़ा अनयूजुअल है, इसीलिए अप्स एंड डाउन्स भी ज्यादा हैं. सो जस्ट गिव इट सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट. तुझे पता ही है मैं तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, बट मैंने तुझे प्यार की मास्टर क्लास देने में ना थोड़ा लेट कर दिया. बट आई गेस नाउ इट इज द राइट टाइम. तुम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट तो करते हो ना? कल का प्लान एकदम फिक्स्ड है. अरे राइड पे चलेंगे ना मेरी जान, बाइक निकाल लूंगा मैं. उसको क्या पता लगेगा प्रेरणा को, वो सुबह सुबह ऑफिस चली जाएगी, फिर अपन दोनों जाएंगे सीधा मूर्तल. अच्छा सुन, कल सेक्सी बन के आई हूँ. सेक्सी 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 बन के आई हूँ? चीटी करना था तो पीठ पीछे करते, मेरे बगल में सोके क्यों चीट कर रहे हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ कोई 20 साल की हॉट सी लड़की होगी ना. हाँ सेक्सी बन के आई हो, प्रेरणा को नहीं पता चलेगा, बच्ची हूं मैं तुम्हारी तरह. कौन है, कौन है ये, कौन है? हो गया शुक्ला बोल. हेलो भाभी जी, मैं शुक्ला. शट अप. भाई मैं तो तुम दोनों को ना स्पेस दे रहा था बस. स्पेस नहीं दे रहा था तू, फुल स्टॉप लगा रहा था साले. आर यू श्योर अबाउट इट? और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है. आई जस्ट होप सब कुछ शांति से हो जाए यार. कहते हैं अगर तुम जैसे हो एक दूसरे को वैसा एक्सेप्ट कर लो तो भी एक रिलेशनशिप सॉर्टेड है. भाई प्रॉब्लम तो यही है कि आज वाली लड़ाई भी एक्सेप्टेंस की वजह से ही हुई है. भाई सॉरी टू से बट आई डोंट थिंक सो इट्स वर्किंग. हे होप यू आर गुड. अबाउट आवर आर्ग्यूमेंट आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक एंड ट्राई टू काम ईच अदर डाउन. आई फील देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन एंड At this age, I can't take relationship ka itna stress. I proposed you because I was happy with you. And now I'm not. Rachit,
तो अपने दोस्त के होते हुए क्यों टेंशन ले रहा है यार? तेरे भाई ने तेरी डंबल पे इतनी बढ़िया प्रोफाइल बनाई है ना, अभी तेरे लिए परफेक्ट मैच ढूंढूंगा, देखियो तू। भाई ये देख, 23 साल की है, सुंदर है भाई, परफेक्ट है तेरे लिए, इसको राइट स्वाइप कर देते हैं। भाई ये तो अपने इधर ही रहती है, कितनी हॉट है यार। भाई इसको तो मैं तेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। बस यार शुक्ला, नहीं हूं मैं इंटरेस्टेड। देख तो ले, तो अभी प्रेरणा के बारे में सोच रहा है ना, है ना भाई? मूव ऑन। कल रात को लड़ाई हुई है उससे मेरी, और तू चाहता है कि मैं एक रात में ब्रेकअप कर लूं, मूव ऑन कर लूं और एक नई लड़की भी पटा लूं। रचित, अबे सुन, अबे रचित रुक, रचित, अबे अबे रचित। अरे शुक्ला जा यार, नहीं करनी बात अभी। भाई नहीं दिखा रहा हॉट लड़कियां यार, खोल। रचित खोल। मिल गया अटेंशन? हाँ, सब कुछ अटेंशन के लिए किया ना। व्हाई डिड यू ब्लॉक मी? I thought what? कि बहस हो गई तो रिलेशनशिप खत्म। प्रेरणा यार, वैसे भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना रिलेशनशिप्स का, एंड यू ओनली से दैट यू नो एवरीथिंग एंड आई डोंट नो एनीथिंग, सो आई डोंट वांट टू हर्ट यू एंड गिव स्ट्रेस एवरी डे। वैसे भी यार रिलेशनशिप इज सो वीक। व्हाट, किसने कहा वीक है? प्रेरणा रिलेशनशिप में ना कुछ डिमांड्स होती हैं, और वो जब तक पूरी नहीं होती तो नहीं चलते हैं रिलेशनशिप्स। ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रेस्पेक्ट, ये सब चाहिए होता है यार, एंड यू वांट मी टू चेंज एंड टॉक लाइक अ 30 इयर्स ओल्ड गाय? आई कांट डू दैट। टेल मी वन थिंग, ये सारी थ्योरीज तुम्हें किसने बताया? बताया मेरे दोस्त ने, शुक्ला ने। ठीक है, अगर शुक्ला की बात सुन के तुम्हें ब्रेकअप करना है तो यू कैन गो अहेड। लिसन, मैं तुम्हारे साथ हूं बिकॉज आई लव यू, आई लव सीइंग योर फेस एवरी सिंगल डे। यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इफ यू आर यंगर टू मी और नॉट। यार हम दोनों की इंडिविजुअल लाइफ्स हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और पता है तू ना एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करता है जो कोई भी तेरी एज में बिहेव करेगा, एंड आई एम एक्टिंग माय एज, यू नो एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है इफ यू आर इमोशनली केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस रिलेशनशिप और नॉट, जो कि मुझे लगता है कि यू डेफिनेटली आर, यू आर। अगर हूँ मैं इतना इमोशनली कैपेबल तो व्हाई इज़न्ट इट वर्किंग आउट? यार जस्ट बात करने की देरी है, एक दूसरे को समझने की देरी है, कम्युनिकेशन। अगर हम दोनों वो स्किल मास्टर कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी वी आर सो गुड टू गो। नो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स फॉर मी इट्स जस्ट लव। डू यू लव मी? Do you love me? Yes, yes I do. We only need the two of us together. Two of us together. We only need the two of us together. We only need the two of us together. 'Cause we got love. You know, Ridhima has also joined Collabix. I think it's high time we should also think about it.
अरे रचित आज तो थोड़ी बात कर ले यार, कि आज भी अरे यार लेट हिम ईट ना, आई मीन अगर वो भी हम जैसे बातें करने लगेगा तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डेटिंग हिम, आई लाइक हिम टू बी फन जस्ट द वे ही इज. लोग डिफरेंट हो तो उनमें डिफरेंसेस होना तो लाजमी है, तो क्यों ना अपने डिफरेंसेस को अपना के लाइफ की प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करें. 'Cause we got love.